तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से लोग यहाँ पे कमा रहे हैं 500 से 600 डॉलर आराम से, वो भी सिर्फ 100 से 200 क्लिक में। तो ये भी आप अर्न कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो नहीं देखी। और आप वीडियो नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो एड मॉब से, और इसको बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी सेल्फ लिंक पे, तो इसमें मैंने दो मेथड बताया था। एक हाई सीपीसी की ट्रिक बता दी थी जिसमें आप 2 से 4 डॉलर आराम से पा सकते हो, लेकिन कुछ लोग थे, क्योंकि हेटर्स होते हैं, हेटर्स का काम ये होता है या तो उनके खुद के घर में इज्जत तो होती नहीं है, तो वो दूसरों को फेक आईडी बना के मैसेज करते हैं, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो ये काम आप बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं मिलती, और कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जेन्युइन है, जो यूज़ हो रहा है और जिससे लोग कमा रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना मेरा काम है। और उसे इसका डालने का दो काम होता है, कोई भी ट्रिक परमानेंट नहीं होती है कि आज वो वर्क करिए तो कल वो वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो वो गूगल पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई वीडियो डालता है तो वीडियो डालने के बाद गूगल को भी पता चल जाता है, आपको इस तरह की वीडियो ढेर सारी मिल जाएगी। लेकिन ये मेथड जेन्युइन था, इस वजह से मैंने इसको उठा के डाल दिया था अपने वीडियो में, बस यही इतना किया था मैंने। और यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, अगर आप उसको प्रेफर करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। तो 100 लाइक अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, आप सब मेरे भाई की तरह हो। बस मेरा इतना काम है कि आप लोग भी पैसे कमा सको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हाई सीपीसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है। कि सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपका ये जो पर्सनल ऐड होता है उसमें आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मत देखिएगा, सिर्फ आप याले को देखिए। इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इंटरेस्टेड आईडी एनेबल करके इंटरेस्टेड आईडी को पर्सनलाइज कर दिया। तो पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि मन पसंदीदा ऐड, आप जिस तरीके के ऐड को शो करवाएं। आप जैसे मान लो किसी इंसान को अमेजोन पर वो शॉपिंग कर रहा है, उसने कोई प्रोडक्ट देखा, उसको लग रहा है अच्छा इसको लेना चाहिए, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, बाद में आपके वो एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसी तरीके ऐड जो है उसको शो होंगे। तो इस तरीके की जब ऐड शो होती है तो लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, उससे आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो यही सिर्फ सिंपल फंडा होता है पर्सनलाइज का। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये रेवेन्यू इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे ट्रिक को इस्तेमाल करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप जेन्युइन तरीके से गूगल प्ले पे अर्न कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, जैसे 50 ways to ठीक है अर्न मनी, ठीक है, इस तरह की आपके काफ़ी ढेर सारे ऐप आपने देखा होगा, या आपने बिजनेस या सर्विस या किस तरह के काफ़ी ढेर सारे ऐप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब करते क्या है, ये सब के भी ऐड जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से शो होते हैं, जिससे उन लोग की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप भी CPM है, जो आपको मैंने उस वीडियो में बताया था CPM कैसे बढ़ाते हैं, तो CPM में आप एक चीज़ हमेशा याद रखे रहिएगा कि ECPM को अगर आप बाहर के कंट्री को टारगेट करते हो तो बाहर के कंट्री को टारगेट या डाउनलोड करवाने के लिए आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि इस पर एक वीडियो बना दो तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बिना कमेंट के मैं क्यों क्या क्या करूँगा बना के, जब आप लोग के कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंपल सा एक ट्रिक जान लो कि गूगल पे अगर आपने ECM जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ECM में आपको करना क्या है कि ECM आप अगर एड यूनिट का बढ़ा देते हो 3 से 4 डॉलर कर देते हो, तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई बंदा इंडिया से अगर उस ऐप को प्ले करेगा तो उसमें उसको ऐड नहीं शो होगी, और उससे होगा क्या कि आपको सिर्फ एक चीज़ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो है आपका ऐड नेटवर्क, ठीक है, ये आपका इंक्रीज होगा क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है वो ऐड के लिए तो भेज रहा है, लेकिन इतनी हाई सीपीसी का कोई भी ऐड नहीं है, जिसकी वजह से ये मैच रेट आपका बहुत बेकार चलेगा, और उससे आपका ये जो मैच रेट एकदम जीरो के करीब चलेगा, काफ़ी बेकार चलेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कोई भी ऐड होती है तो वो मैच के हिसाब से होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक बटन या एक स्क्रीन पे 4 से 5 या 10 ऐड लगा दिए हैं, तो उतना ढेर सारा ऐड को लोड करना या उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेज व्यू ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐड जो इंप्रेशन शो होते हैं वो कम शो होते हैं, जिसकी वजह से आपका मैच रेट कम हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखे रहना है कि जितना कम ऐड का इस्तेमाल करोगे उतना आपका मैच रेट हाई रहेगा और उतना आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए,
तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हाई सीपीसी आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसकी वेबसाइट के लिए आपको सिंपल सा करना पड़ेगा, गूगल पे सिर्फ हाई सीपीसी डाल दोगे आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो वेबसाइट है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बिजनेस सर्विस के ऐड या इंश्योरेंस के या लोन के या बैंक के या किसी भी तरीके के ऐड की जो फाइनेंस होते हैं इस तरह के ऐड की सीपीसी काफ़ी ज़्यादा हाई आपको मिल जाती है। तो इस तरीके के ऐड का आप इस्तेमाल कर सकते हो अर्निंग करने के लिए। अब सिंपल सा एक चीज़ है कि आपको फोकस एक चीज़ पे करना है कि अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है, क्लिक के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप उस तरीके की एप्लीकेशन को सर्च करिए, जैसे मान लीजिए लोन हो गया तो यहाँ पे लोन डाल लीजिए। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको कोड्स बताती है, या आप किसी वेबसाइट का वो कर सकते हो जो आपको कॉपीराइट नहीं दे, जिसको आप प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह की एप्लीकेशन अगर आप डालते हो तो लोग जो है आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, उसके साथ साथ वो इस चीज़ों को अगर सर्च भी करते हैं तो लोग आपके एप्लीकेशन में जो भी ऐड आएंगी वो इंश्योरेंस या फाइनेंस की ज़रूर आएंगी, जिस पे अगर आपका क्लिक होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डॉलर मिल जाता है। अगर यही बात करूँ मैं बाहर की, तो अमेरिका का मैंने देखा, यूएसए या कनाडा वगैरह की, कि उसमें आपको 10 से 20 डॉलर आराम से मिल जाता है। अगर सही 60 क्लिक लग गया तो आपको अच्छा खासे डॉलर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि लोग किस टाइप के एप्लीकेशन बना के अर्न कर रहे हैं। तो आप कोड्स या कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो जैसे मैं यहाँ पे लोन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अभी इंडिया का आएगा, तो क्योंकि मैं तो इंडिया में हूँ तो इंडिया का आएगा। जैसे जो जहाँ क्या रहेगा उसको लोन वहीं का शो होगा, और बाहर की सीपीसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे मुथूत फाइनेंस जो इंडिया का है इसमें भी काफ़ी हाई सीपीसी वगैरह रहती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बैंक है। या ये सब जो बैंक होते हैं वो तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके के बाहर की कंट्री के लोग जब आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अब उसको डाउनलोड करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा एक रास्ता है कि अगर आप पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो गूगल एड्स वगैरह का, अगर आप नहीं चाहते यूज़ करना, तो सिंपल सी ऐप है कि आप इससे की ऐप बना के छोड़ दो गूगल पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे डाल दो। जैसे मान लो आपका वहाँ पे है इंडिया का है तो फाइनेंस रिलेटेड कोड या ऐसे एक डाल दो, जिस टाइप का अगर कोई लोग सर्च करे तो आपको मिल जाए। यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HDFC, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे। इस तरह के एप्लीकेशन मत बनाना, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC की बैंक की एप्लीकेशन मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ई बुक वगैरह भी है। तो लोग इस टाइप के एप्लीकेशन बना के छोड़ देते हैं, जिससे लोग जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें अपने ऐड लगा के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। तो आपको इसमें ध्यान ये नहीं देना है कि आपका क्लिक 100 हो जाए, कि 100 क्लिक पे आपका 500 हो जाए। बस आपको ध्यान ये देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली लोग आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करिए ताकि लोग उसको सर्च करें, उसको एप्लीकेशन को रखे रहे और दूसरों को भी सजेस्ट करें। उससे होगा क्या, लोग आपको पसंद भी करेंगे, और जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर पर डलता जाएगा तो एक हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन वायरल होगी तो आपकी अर्निंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये चीज हर कोई प्रोवाइड कर देता है। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि हर एक चीज का एक पैटर्न होता है उसको इस्तेमाल करने का। अगर आप उसको इलीगल वे में इस्तेमाल करते हो तो वो ज्यादा दिन का सफर नहीं रहता है। तो मैंने भी जो ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक का मतलब सभी जानते हो यार, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। सभी को पता है कि कोई भी ट्रिक है वो परमानेंट काम नहीं कर सकती। अगर वो आज ट्रिक आज काम कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 200-300 साल बाद देखोगे तो ये ट्रिक काम करेगी। तो सबका एक टाइम लिमिट होता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लीगल वे में जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए वर्क करते हैं, लेकिन आपका शॉर्ट पीरियड के चक्कर में जो आपका शॉर्ट पीरियड का टाइम निकल जाता है उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। लेकिन यही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, सोचोगे चलो लाओ थोड़ा परमानेंट काम कर ले, सही तरीके से वर्क कर ले, तो आपकी अर्निंग भी बरकरार रहेगी और काफ़ी ज़्यादा आप पैसे इससे कमा सकते हो। तो इस वीडियो में जो बताने का पर्पज़ था यही था, हाई सीपीसी ऐड का लाना और उसको एप्लीकेशन उस टाइप की बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चीज़ पे वर्क करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो गूगल एड्स वगैरह पे आपको 2000 तक का क्रेडिट मिल जाता है। ये क्रेडिट का मतलब ये नहीं है कि ये आपको फ्री में दे रहे। अगर आप 2000 रुपये तक का इन्वेस्ट करते हो इसमें तो 2000 रुपये प्लस ये आपको देंगे, पैसा क्रेडिट करेंगे, ताकि आप मतलब आप टोटल 4000 रुपीज़ का मतलब आप कर सकते हो। इसके आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये 2000 आपको मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा
ऑप्शन है, अगर आप अर्न करने का सोच रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए अगर अर्न करने का सोचोगे तो यार जरूरी नहीं है कि आपकी अर्निंग होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से वर्क करोगे तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो, चाहे ऐप का एड मॉप हो जाए कोई सा भी हो। तो हर ऐड की अपनी अपनी खासियत होती है, तो आप इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करिए और मुझे भी बताइए कि आपको क्या गेन मिलने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं पे यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड कॉलोनी का बारे में बताऊंगा किस तरीके से उसको जो है आप अर्न कर सकते हो। काफ़ी मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी लेकिन आप अर्न कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।